हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम ओशन वेव एनर्जी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आया था जनवरी 2017 के थर्ड पेपर में। क्वेश्चन था, कंसिडर ओशन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 2 मीटर एंड वेव लेंथ 200 मीटर, अजूमिंग द ग्रेविटी टू बी द ओनली एक्टिव फोर्स, द पावर अवेलेबल पर मीटर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व होगा। फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू जी इंटू ए स्क्वायर इंटू यू। यहाँ पे पी क्या है? पावर ऑफ वेव इन वॉट पर मीटर। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना होता है सभी को पता है, 1025 kg/m³। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी आपको पता है कितना होता है, 9.8 m/s². और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इन मीटर। और यू क्या है यहाँ पे? ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव एनर्जी। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है। तो पी इज इक्वल टू हाफ रो यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1025 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना है, 9.8 m/s². एम्पलीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, 2 का स्क्वायर। अब बात आती है यू। यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है C/2। और सी यहाँ पे क्या है? फेज वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू √g(λ)/2π। यहाँ पे जी क्या है? अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स, 9.8 m/s². लैम्डा क्या है? वेव लेंथ ऑफ वेव जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 200 मीटर। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट करते हैं और सी कैलकुलेट करते हैं। तो सी इज इक्वल टू √9.8 × 200/2π। का वैल्यू कितना होता है सभी को पता है, 3.14। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 17.6। अब हमने सी कैलकुलेट कर लिया है, अपने यू कैलकुलेट करना है। यू कितना होता है? सी बाई टू यानी कि 17.6/2 कितना मिला, 8.8। अब हमने यू भी कैलकुलेट कर लिया है। अब यू का जो वैल्यू है वो हम अपने इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो पी इज इक्वल टू 1/2 × 1025 × 9.8 × 4 × 8.8। आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या मिला, 177,459 वॉट पर मीटर। अब आप इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए सीधा सीधा 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 177,459/1000 कितना होगा, 177.45 kW/m। तो जो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सेकंड ऑप्शन जो है उसके नियर बाई हमें आंसर मिला है। सेकंड ऑप्शन क्या है? 172.48। तो आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अगर आपको सही ऑप्शन नहीं मिलते हैं, चार ऑप्शन आपके आंसर से मैच नहीं करते, तो जो भी नियर बाई वैल्यू है उसी को आप सही आंसर मानेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन पे या मेरे किसी भी वीडियो पे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जैसे भी हो मुझे कांटेक्ट करके आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दूंगा। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।